परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्वास्थ्य चतुर्दशी के उपवास के बाद थोड़ा नरम चल रहा था। वह कमजोरी महसूस कर रहे थे, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य बेहतर है। वह आहार भी ले रहे हैं। आचार्य श्री के स्वास्थ्य को लेकर देशभर के लाखों श्रद्धालुओं में चिंता को देखते हुए ब्रह्मचारी सुनील भैया जी ने स्वास्थ्य को लेकर जो कहा वह आप EMS TV में सुन सकते हैं। भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज इंदौर रेवतीरेंज प्रतिभा स्थली में विराजमान है। अभी चतुर्मास कलश की स्थापना जिस दिन हुई, चतुर्दशी का दिन था, पूरे संघ का उपवास था। दूसरे दिन पारणा के समय आचार्य भगवान ने जल लिया और आहार भी लिया, किंतु उसी दिन से स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आई। जठराग्नि बंद होने से कुछ भी लेने का मन नहीं हो रहा था, किंतु अब धीरे धीरे आचार्य जी के आहार भी अच्छे होने लगे हैं और तबीयत में काफ़ी सुधार है। चिंता की कोई बात नहीं है। सभी लोग जो भी जाप कर रहे हों, चाहे वो पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी के द्वारा दी गई जाप हो, चाहे पूज्य सुधा सागर महाराज जी के द्वारा दी गई जाप हो, जाप करते रहें। आचार्य जी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, आचार्य भगवान के दर्शन सभी को मिलने लग जाएं और आहारचर्या का सौभाग्य चौका लगाने वालों को भी मिलने लगे, ऐसी हमारी मंगल भावनाएँ हैं। जो भी लोगों ने दुष्प्रचार किए हैं उससे आप लोग बचें, और जो भी आपको सूचना लेनी हो तो सोमिल जी के माध्यम से सूचना आप तक पहुंचेगी और सही सूचना रहेगी। आचार्य भगवान का और पूरे संघ का इस समय स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, सुधार की ओर है। ब्यूरो रिपोर्ट EMS TV भोपाल।